हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होता है, कुछ सॉल्ट इनसॉल्युबल एंड कुछ सॉल्ट हाई सॉल्युबल होता है। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में पढ़ेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। Some salt having tendency to dissolve in part by part in solvent, that means they dissolve in solvent A stepwise, salt are called sparingly soluble salt। कुछ salt का tendency होता है dissolve होने का solvent में part by part, that means they dissolve in solvent A stepwise। मतलब कि सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है स्टेप वाइज, तो उस सॉल्ट को हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दे ग्रेजुअली डिसोसिएट इन सेपरेट केटायन एनायन। जब डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट तो धीरे धीरे टूट जाता है सेपरेट केटायन एंड एनायन में। आफ्टर फर्स्ट डिसोसिएशन वी कैन एडेड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन सॉल्वेंट। After some time the solution becomes saturated and in saturated condition there is no further addition of salt be possible। जब first dissociation के बाद हम लोग add करते हैं some amount of salt solvent में तो कुछ time बाद solution saturated हो जाता है। और जब saturated condition में हो जाता है solution तो उसमें फिर से एडिशन सॉल्ट का नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उसमें और एडिशन नहीं हो सकता है सॉल्ट का, ये पॉसिबल नहीं है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट सैचुरेटेड कंडीशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वह सैचुरेटेड कंडीशन को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इट इज़ डिनोटेड बाई KSP और इसको डिनोट करते हैं KSP से। तो चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसिडर स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट AB। मान लीजिए कि कोई स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट AB है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये टूटेगा A प्लस में एंड B माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB। आगे इक्वेशन होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। आगे इक्वेशन होगा KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, वेयर KSP इज कॉल्ड स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। KSP है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।